वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आपको मालूम ही होगा 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, तो ये जो दिन है बहुत ही खास है, इसलिए आप सभी को इस दिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो जो आज के दिन आयोजित किया गया था स्टेनो टाइपिस्ट का एग्ज़ाम, जिसका पोस्ट कोड है ये है 891, तो इसी को लेकर आज हम इसमें जो वीडियो में इसके क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसे ज्वाइन अवश्य कीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है ये है HPGK का 27, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सेब का अधिकतम उत्पादन होता है? तो ये होता है शिमला में, जो यहाँ पर सही विकल्प रहना था, तो ये था विकल्प डी, शिमला। अगला जो क्वेश्चन है ये है 28, इसमें पूछा गया है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जनजाति की संख्या का प्रतिशत सबसे कम है? तो ये होगा आपका ऊना में। अगर कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति है, तो ये आपके लाहौल स्पीति में होना था। तो इस जो प्रश्न का सही उत्तर होगा ये होगा ए, ऊना। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है ये है 29, इसमें पूछा गया है तामसर पर्वतीय दर्रा कांगड़ा को डैट से जोड़ता है? तो ये जोड़ता है बड़ा बंगाल के साथ। तो कई बार ये प्रश्न भी बनता है कि जो तामसर पर्वतीय दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो ये है आपके कांगड़ा और बड़ा बंगाल के बीच में। अगला क्वेश्चन है 30, इसमें पूछा गया है चोलांग चोटी हिमाचल प्रदेश के किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो जो चोलांग चोटी है ये आपके हिमाचल प्रदेश के धौलाधार पर्वत श्रृंखला में स्थित है, तो यहाँ पर जो सही विकल्प रहना था 30 का, तो ये रहेगा बी। यहाँ पर आपको बता दूँ जो मेरे पास सीरीज़ है ये है आपकी सी सीरीज़। अगला क्वेश्चन है आपका 31, इसमें पूछा गया है खोक्सर हिमाचल प्रदेश की किस घाटी का पहला गांव है? तो जो ये गांव है खोक्सर, तो ये है आपके चंद्रा घाटी का। जो चंद्रा घाटी है ये लाहौल स्पीति में स्थित है, यहाँ पर जो 31 का सही विकल्प रहेगा, तो ये रहेगा विकल्प ए, चंद्रा घाटी। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है ये है 32, इसमें पूछा गया है हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो जो हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी है ये है आपकी यमुना। 32 का सही विकल्प ए होगा, यमुना। कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो यमुना नदी कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है यमुनोत्री से, इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 33, इसमें पूछा गया है हिमाचल प्रदेश की किस झील को बीजों का तैरता द्वीप के लिए जाना जाता है? तो ये रहेगा विकल्प डी, रेवालसर, डी से ही विकल्प होगा 33 का। अगला क्वेश्चन है 34, इसे पूछा गया हिमाचल प्रदेश के प्रथम बीजेपी सरकार की अध्यक्षता की थी? तो जो हिमाचल प्रदेश में प्रथम बीजेपी सरकार थी, इसकी अध्यक्षता की गई थी शांता कुमार जी द्वारा, सही विकल्प ए होगा। अगला जो क्वेश्चन है ये है 35, इसमें पूछा गया है हिमाचल प्रदेश द्वारा ई गवर्नेंस योजना हिमस्वान किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये की गई थी 2030 में, 2003, सही विकल्प यहाँ पर ए रहेगा, 2003। अगला क्वेश्चन है 36, इसमें पूछा गया है रोहतांग टनल परियोजना का कार्य किस वर्ष शुरू किया गया था? तो जो रोहतांग टनल परियोजना का कार्य शुरू किया गया था, ये किया गया था 2010 में, यहाँ पर सही विकल्प बी होगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन छोड़ देता हूँ, आपको बताना है कि जो रोहतांग टनल का जो नया नाम क्या है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताना है। अक्सर ये भी प्रश्न में पूछा जाता है कि इसका नया नाम क्या है। अगला क्वेश्चन है 37, इसमें पूछा गया है श्री हरि राय मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो जो श्री हरि राय मंदिर, ये हिमाचल प्रदेश के चंबा में स्थित है, यहाँ पर जो विकल्प ए है बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है 38, इसमें पूछा गया है दत्तारपुर राजसी राज्य की स्थापना की थी? तो ये की गई थी विकल्प ए, दातार चंद के द्वारा, 38 का सही विकल्प यहाँ पर ए रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है ये है 39, इसमें पूछा गया है गेटी थिएटर शिमला में किस वर्ष खोला गया था? तो ये खोला गया था विकल्प डी, 1887 ईस्वी में। तो कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है सीधे सीधे कि जो गेटी थिएटर है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये है आपके शिमला में स्थित, इसे भी याद रखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो ओपन थिएटर है शिमला में कहाँ पर स्थित है, तो जो ओपन थिएटर है ये आपके शिमला के रिज मैदान में ही स्थित है, गेटी थिएटर के साथ में। ये प्रश्न भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है 40, इसमें पूछा गया है हिमाचल प्रदेश की प्रथम विधानसभा में कितने सदस्य थे? तो जो हिमाचल प्रदेश की प्रथम विधानसभा थी, इसमें जो सदस्यों की संख्या थी ये थी 36, यहाँ पर सही विकल्प बी होगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह है 41। इसमें पूछा गया है 1948 एडी में हिमाचल प्रदेश में बनी अंतरिम सरकार की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी आपकी एनसी मेहता के द्वारा। सही विकल्प यहाँ पर बी रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है ये है 42। इसमें पूछा गया है कि राजा संसार चंद और जयसिंह रामगढ़िया के बीच कांगड़ा किले के स्वामित्व के विवाद को लेकर मध्यस्थता किसने की थी? तो ये प्रश्न है कि जो राजा संचार चंद थे और जयसिंह रामगढ़िया थे, जब इनके बीच में युद्ध हुआ था तो इसके बीच में जो अपना महत्वपूर्ण योगदान किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा। सही विकल्प ए होगा यहाँ। अगला जो क्वेश्चन है ये है आपका 43। इसमें पूछा गया है मलाना बन पन बिजली परियोजना हिमाचल प्रदेश की किस नदी पर बना है? तो जो मलाना बन पन बिजली परियोजना है ये आपके ब्यास नदी पर बना है और ये आपके कुल्लू जिला में स्थित है। इसे भी याद रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि ये मलाना बन पन बिजली परियोजना कहाँ पर स्थित है? ये आपके कुल्लू जिला में स्थित है। तो कई बार यहाँ मलाना से मुझे याद आता है कि ये पूछा जाता है विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र किस स्थान में स्थित है, कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मलाना में ही। ये प्रश्न भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, इसे भी याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है ये है 44। इसमें पूछा गया है हिमाचल प्रदेश शीतकालीन खेल राजधानी कौन सी है? तो जो हिमाचल प्रदेश शीतकालीन खेल राजधानी है तो ये आपकी कुफरी है। सही विकल्प यहाँ पर सी होगा। दोस्तों यहाँ पर जितने भी प्रश्न के उत्तर दिए जा रहे हैं ये हमारे निजी प्रयास हैं। यहाँ पर आपको लगता है कि कोई प्रश्न का उत्तर गलत दिया गया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बेझिझक बता सकते हो कि किस प्रश्न का उत्तर गलत दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है ये है आपका 45। इसमें पूछा गया है हिमाचल प्रदेश का सबसे शिक्षित जिला कौन सा है? तो जो हिमाचल प्रदेश का सबसे शिक्षित जिला है ये आपका हमीरपुर है। यहाँ पर जो 45 का सही विकल्प डी रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है ये है 46। इसमें पूछा गया है झांझर हिमाचल प्रदेश के किस जिले का लोक नृत्य है? तो ये चंबा का है। 46 का सही विकल्प ए होगा, चंबा।